उकलाना के नजदीकी गांव भैरी अकबरपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा हल्का स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य वक्ता आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता हल्का उकलाना के संगठन मंत्री मंजीत रंगा ने की। यह कार्यक्रम गाँव भैरी अकबरपुर की बाबा रामदेव धर्मशाला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया और हल्के की तरफ से पगड़ी पहनाकर नवीन जयहिंद और लोकसभा संगठन मंत्री को सम्मानित किया गया। नवीन जयहिंद ने हल्का स्तरीय सम्मेलन में आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है और हरियाणा के सरकारी स्कूल और अस्पतालों की दशा सुधारनी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर लोगों को बिजली और पानी मुफ्त दिया जाएगा। हल्का उकलाना में कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने कहा कि अगर काम करवाने हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दे और अगर प्रदेश में कांड करवाने हैं तो भाजपा पार्टी को। उन्होंने भाजपा पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा पार्टी के राज में युवाओं में नशे की लत बढ़ी है क्योंकि हर गली और चौराहे में भाजपा के नेताओं के ठेके खुले हुए हैं। नवीन जयहिंद ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को बिजली पानी अस्पताल और स्कूल की मूलभूत आवश्यकताएं फ्री और बढ़िया दी जाएंगी। विधानसभा में गठबंधन के सवाल का जवाब देते हुए नवीन जयहिंद ने कहा कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन जनता से है और वह किसी दल से गठबंधन नहीं करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली को लेकर नवीन जयहिंद ने कहा कि जैसे भाजपा कहेगी वैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। नवीन जयहिंद ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देगी। उन्होंने कहा कि अन्य दलों से भागकर भाजपा में जाने वाले लोगों को भाजपा सिर्फ चौकीदार बनाने का काम करेगी। ये बताओ, ये तो नहीं, आम आदमी पार्टी एक और जहां बीजेपी की कड़ी निंदा कर रही है, दूसरी ओर 370 पर समर्थन भी कर रही है, तो फिर देश की बात है ना। वो भाई देखिए, राजनीति से ऊपर होती है कुछ चीजें, हर चीज में राजनीति नहीं होती। 370 की बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी के साथ खड़े हैं, वो हमारे देश का एक इशू है, वो एक अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। तो राजनीति से बड़ा तो देश हो ना भाई साहब। आम आदमी पार्टी की आंतरिक कलह भी कुछ सामने आ रही है, नवीन जयंत को बदलने की चर्चाएं हैं। कौन सी कलह? मैंने देखी तो दिखती नहीं भाई साहब, जो इतने आदमी आ रहे थे देखे नहीं आपने, आपकी सौ टोपी पर आ गए थोड़ा हो गए तो कह लो आप, कोई बात नहीं। अच्छा, रोहतक में 18 तारीख को जो हुड्डा जी है वो रैली करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बीजेपी वाले जैसे कहेंगे हुड्डा साहब वैसे कर लेंगे वो, तो मैं तो एक आपने शायद सुना नहीं होगा, मैं बहुत दिनों से ये कह रहा हूँ कि बीजेपी ने कह रखा है हुड्डा साहब को, या तो पार्टी बनाओ या बीजेपी में आओ, ऑप्शन है दो, ना फिर जेल में जाओ। वो उनकी अपनी सेटिंग, जिस प्रकार से बीजेपी में बहुत सारे दलों से लोग जा रहे हैं, हो सकता है टिकट बंटवारे के बाद वो वापसी करें, तो आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहेगा? कार्यकर्ताओं को देगी या आम आदमी पार्टी? तो आम आदमी को देगी और अपने कार्यकर्ताओं को देगी, एक बात। और जो बीजेपी में जा रहे हैं ना भाई साहब, ये चौकीदार बनने जा रहे हैं, बीजेपी वालों ने इनको गेट पर खड़ा करके चौकीदार करवाएंगे। बीजेपी वाले जो चौकीदार थे बीजेपी वाले, वो अब ठेकेदार बनेंगे, तो ये तो चौकीदार करण जा रहे हैं, करण इनकी मर्जी, हम तो क्या कह सकते हैं। तो अभी पूरे हरियाणा में हर विधानसभा में अलग अलग जगह पे कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और आगामी जो विधानसभा चुनाव है भाई साहब, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जो मीटिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनको लेके, और जो दिल्ली में काम किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने, उसको लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं कि भाई बिजली पानी स्कूल हॉस्पिटल जवान और किसान का भला चाहिए है तो आम आदमी पार्टी, अगर काम करवाने हैं तो आम आदमी पार्टी है और कांड करवाने हैं तो बीजेपी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कोई राज तो किया नहीं है, बीजेपी कांग्रेस इन लो इन सारी पार्टियों ने राज किया है, उसके बावजूद हरियाणा के सरकारी स्कूलों का सत्यानाश कर दिया इन्होंने, सरकारी हॉस्पिटलों का सत्यानाश कर दिया। एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, ना तो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, ना वो इलाज करा सकता है, बिजली है, पानी है। आज भी महिलाओं ने अभी बता रही हैं कि पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है, तो जब दिल्ली में बिजली 24 घंटे दी जा सके, 200 यूनिट फ्री दी जा सके है, तो हरियाणा में क्यों नहीं भाई? हरियाणा में इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे सरकार बेईमान है। दिल्ली में इसलिए दे पा रहे हैं हम फ्री बिजली पानी स्कूल हॉस्पिटल कि हमने घोटाले नहीं करे, सरकार ईमानदार है और लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो हम तो लोगों को बता रहे हैं जी कि ये सारी की सारी पार्टियां एक ही है,
इनलो तो वैसे शिफ्ट हो गई है सारी की सारी, कांग्रेस का कोई वो है नहीं। तो आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है बीजेपी को रोकने का, दिल्ली में रोक के दिखाया था। तो लोगों के बीच में जाके उनके इशू हैं, तो अपनी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए। क्या लोकसभा के अनुभव के बाद भी आम आदमी पार्टी किसी गठबंधन की ओर आगे बढ़ेगी? आम आदमी पार्टी का गठबंधन भाई साहब सरकारी स्कूल हॉस्पिटल आम आदमी से होगा, बिजली पानी से, कानून व्यवस्था से होगा। हरियाणा के अंदर जमीन की सरकार आई, इन्होंने कहा था राम राज लेके आएंगे। मुख्यमंत्री खुद ये कहता है कि 5,000 के से ज़्यादा मर्डर, 5,000 से ज़्यादा रेप की घटनाएं हरियाणा के अंदर हुई है। तो ये तो राक्षस राज है, राम राज कहाँ से आ गया भाई, इनसे कुछ हुआ तो नहीं फिर? तो लोकसभा में जेजेपी के साथ गठबंधन रहा था आप लोगों का, क्या लगता है कि अब उसमें कुछ आगे गुंजाइश होगी या फिर अभी आम आदमी पार्टी का गठबंधन आम आदमी से भाई साहब? तो ये जो आप अभी कमियां गिना रहे थे सर, कि आप लोकसभा चुनाव में लोगों तक क्या कारण रहे वो आप कमियां पहुंच नहीं पाई या वो समझ नहीं पाई? भाई साहब देखो, लोगों को बहका रखा है बीजेपी ने, लोगों को बहका रखा है धर्म के नाम पे, देश के नाम पे, जाति के नाम पे, जाट नॉन जाट के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, लोगों को बहका रखा है। और हम तो कह रहे हैं भाई अपना 2014 का मैनिफेस्टो पढ़ दो, 1,00,000 रुपए इनाम थोड़ा होता है क्या, इनका कोई नेता पढ़ गया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।